हे दोस्तों, त्योहारों का मौसम आ चुका है और गुलाब जामुन तो सभी को पसंद होते हैं। इसीलिए मैं लेके आई हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी। यहाँ मैंने एक पैक का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले पाउडर को एक बोल में ट्रांसफर करेंगे, फिर एक तिहाई कप दूध थोड़ा थोड़ा डालेंगे और उसे मिक्स करते जाएंगे। हमें बिल्कुल हल्के हाथों से डो रेडी करना है, ज़्यादा मैश ना करें इसे, बस दूध डालें और पाउडर को इकट्ठा करते जाएं। ये देखिए, डो बिल्कुल रेडी है। इसे बिल्कुल हल्के हाथों से गूंदा है। इसे ढक के रख देंगे 10 मिनट तक। अब बनाएंगे चाशनी। यहाँ मैंने लिया है 1.5 कप चीनी, उसमें डालेंगे 1.5 कप पानी। जितना आपने चीनी इस्तेमाल किया है उतना ही आपको पानी का इस्तेमाल करना है। मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे। इसे हमें पकाना है 4 से 5 मिनट तक, और मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। और जैसे ही चीनी पिघल जाएगी, हम इसमें 2 से 3 इलायची को कूट के डाल देंगे, या फिर इलायची पाउडर डाल दीजिए थोड़ा सा। 4 से 5 मिनट बाद चेक करके देख लीजिए, हाथ पे थोड़ा चिपचिपापन होना चाहिए, हमें तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। ये देखिए, दूसरी ओर गुलाब जामुन बनाने के लिए डो भी रेडी हो चुका है। हाथ पे थोड़ा घी लगा लेंगे, फिर बॉल बन सके उतना हिस्सा तोड़ लेंगे। आप अपनी पसंद से छोटा या बड़ा गुलाब जामुन बना सकते हैं। सबसे पहले हाथों से कुछ इस तरीके से प्रेस करेंगे, फिर दोनों हाथों के बीच में रख के गोल गोल घुमाते जाएंगे। बस ध्यान इतना रखें कि इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए। ये देखिए, गुलाब जामुन बॉल बन के रेडी है। जिस प्लेट में रखे उसे घी से अच्छे से ग्रीस कर ले। ये सारी बॉल्स रेडी हो गई है। अब एक कढ़ाई में तेल लेंगे। हमें तेल इतना लेना है कि गुलाब जामुन अच्छे से डिप हो पाए अंदर। गरम तेल में गुलाब जामुन डालें। मीडियम फ्लेम पे तेल को गरम करेंगे और जैसे ही हम इसमें गुलाब जामुन डालेंगे, वैसे ही हम फ्लेम को लो कर देंगे। हमें गुलाब जामुन को लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। अगर मीडियम फ्लेम पे करेंगे तो ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। ऐसा करने से फिर चाशनी अंदर तक नहीं जाएगी, तो ये परफेक्ट गुलाब जामुन नहीं बनेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, गुलाब जामुन डालते ही हमें तेल को घुमाते रहना है और इसे लगातार हमें हल्के हाथों से चलाते रहना है। और ध्यान रखें जो भी झारा है वो गुलाब जामुन में ना लगे, इसकी वजह से वो फट सकते हैं। ये देखिए, इसका कलर कितना परफेक्ट आया है, ये इवनली हर जगह से पक गए हैं। इसी तरीके से हम बाकी गुलाब जामुन भी फ्राई कर लेंगे। गुलाब जामुन फ्राई करना बहुत ही आसान है, बस एक एक करके डालना है लो फ्लेम पे और लगातार तेल को घुमाते रहना है। और जैसे ही ये अच्छे ब्राउन कलर के हो जाए कुछ इस तरीके के, तो फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए, इनमें से एक भी गुलाब जामुन फटा नहीं है, ये बिल्कुल गोल है। इन्हें निकालने के बाद इसी गैस पे हम रख देंगे चाशनी वाला बर्तन और गैस ऑन कर देंगे। फ्लेम को रखेंगे लो और उसमें हम डाल देंगे सारे गुलाब जामुन और 1 मिनट तक लो फ्लेम पे ही हम गुलाब जामुन को पकाएंगे चाशनी के अंदर। ऐसा करने से चाशनी बहुत अच्छे से अंदर जाती है। फिर इसे ढक के रख देंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद ये देखिए, एकदम फुले फुले और बड़ी साइज के गुलाब जामुन रेडी है। एक मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल परफेक्ट बना है और अंदर से भी इतना जूसी और सॉफ्ट है। तो ज़रूर इस रेसिपी को घर पे ट्राई करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।